हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू अवर चैनल द वेल्थ मंत्रा फ्रेंड्स जो भी पेमेंट टीडीएस की प्रोविजन में कवर होते हैं उस पर पे पेयर को टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करनी होती है एंड रिसीपीएन को पैन फर्निश करना होता है अगर रिसीपीएन पैन फर्निश नहीं करता है तो अंडर सेक्शन टू जीरो सिक्स ए एफ द इनकम टैक्स एक्ट पेयर को हाई रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है सिमिलरली सेक्शन टू जीरो सिक्स सी सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हाई रेट ऑफ टीसीएस फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन सो अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हैं तो आपको हाई रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस पे करना पड़ता है सिमिलरली अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो भी अब आपको हाई रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस पे करना पड़ेगा येस इन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट इज प्रोपोज टू इंसर्ट न्यू सेक्शन टू जीरो सिक्स ए बी एंड टू जीरो सिक्स सीसीए फॉर हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस फॉर नॉन फायलर ऑफ इनकम टैक्स मैं हूं सीए बंसल और आज हम इन्हीं दोनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं सो न्यू सेक्शन 206 ए बी ये एक स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है For of income tax, ये कहता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको हायर रेट ऑफ टी पे करना पड़ेगा अब कौन कौन से टी डी एस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जो कि टी डी एस के सेक्शन हैं अदर देन सेक्शन वन नाइनटी टू वन नाइनटी टू ए जो कि सैलरी पे टी डी एस की बात करता है 194B, लॉटरी इनकम पजल इनकम बीबी हाउस रेस वन नाइनटी फोर एल बी सी इन्वेस्टमेंट इन करो इन सारे सेक्शंस को छोड़ के जो भी टी के सेक्शंस हैं उनमें ये स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा अब हम देखते हैं कि टू जीरो ए बी के प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होंगे किसे हायर रेट ऑफ टी पे करना पड़ेगा दो कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए फर्स्ट कंडीशन इज जिस साल में टीडीएस डिडक्ट होना है उससे पिछले दो सालों में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो गया है तो आपको हाई रेट ऑफ टीडीएस पे करना पड़ेगा अगर आपको 2021 में पेमेंट हो रही है तो 1819 नाइनटीन एंड नाइनटीन में अगर आपने दोनों सालों में रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपका टीडीएस हाई रेट पे डिडक्ट होगा सेकेंड कंडीशन इज एग्रीगेट ऑफ TDS and TCS एंड टीसीएस इन बोथ assessment years is more than मोर देन रूपीज फिफ्टी थाउजेंड और मोर सो जो दो कंडीशन हैं वो ये कि पिछले दो सालों में आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और टीडीएस एंड टीसीएस का एग्रीगेट जो है वो फिफ्टी थाउजेंड और मोर है तो आपको हाई रेट ऑफ टी डी एस पे करना पड़ेगा सो so, अब टी डीएस का क्या रेट होगा किस रेट डिडक्टी टैक्स डिडक्ट करेगा टाइज द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ट्वाइज द रेट और एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट विच एवर इज हायर इन तीनों में से जो भी हायर होगा उस पे डिडक्टिंग को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा सो so, अगर आपका प्रोविजन में टेन परसेंट पे टैक्स डिडक्ट होता है और तो आपका ट्वेंटी परसेंट आ गया और रेट इन फोर्स अगर सेवन परसेंट है तो फिफ्टीन परसेंट और फाइव परसेंट तो इसमें से ट्वेंटी परसेंट इज हायर तो आपका ट्वेंटी परसेंट पे टैक्स डिडक्ट होगा अब अगर टू जीरो ए बी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं और टू जीरो सिक्स ए ए नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन के लिए है वो भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं तो डिडक्टिव किस रेट पे टैक्स डिडक्ट करेगा जो भी हायर रेट आएगा इन दोनों सेक्शन में उस रेट पे डिडक्टिव को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा तो so ये तो बात हो गई सेक्शन टू जीरो सिक्स ए बी की अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस पे करना पड़ेगा Similarly, section 206 CCA has been inserted for higher rate of TCS in case of non-filing of return. Mm -hmm. उस पे जिस rate पे TDS deduct होगा वो है higher of twice the rate specified in the provision of the Act or at the rate of 5 percent. जो भी दोनों में से high होगा उस rate पे आप करना पड़ेगा. Mm -hmm. अगर 206 CC and 206 CCA दोनों के provision applicable हो रहे हैं तो जो भी higher rate है उस rate पे tax collect होगा. इनकम टैक्स लॉ में जिनकी इनकम एक्जेंटेड लिमिट तक है लाइक 2.5 पॉइंट फाइव लैक्स तक है दे आर एक्टेड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर पांच लाख तक आपकी इनकम है इंटरेस्ट इनकम फाइव लैक्स तक है तो उनका टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ टेन परसेंट विच कम्स टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अब फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन से उनका टीडीएस एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट डिडक्ट होगा सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट न्यू सेक्शंस टू जीरो सिक्स ए बी एंड टू जीरो सिक्स सी सी ए थैंक्स फॉर वॉचिंग